कितनी चलाक निकली है। बच्ची का नाम क्या रखा? अरीज। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज पे कब्जा करना चाहती है। और हमारे लिए एक एक लम्हा खतरा बढ़ता जा रहा है। क्या तो तुम ठीक रही हो? कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं आती हूँ। आहिस्ता मुझे तुमसे डर लगने लगा है। इस बात में आके कुछ ऐसा ना करना कि उरूज के लिए काम और आसान हो जाए। जज्बाती तो मैं हो गई हूं इदरीस, लेकिन घबराए मत, बेवकूफ नहीं हूं मैं। कार की निशानी है, उसकी बेटी की निशानी है, जमीन को मत बेचो। तो मैंने नहीं बेची, और सलमान के जवान होते होते तो मैंने ही संभाला फैक्ट्री। वकार ने तो सोचा होगा कि सब कुछ अरीज के नाम कर देने से हम तो उसके मोहताज हो जाएंगे। लेकिन अब भी सब कुछ हमारा है। कैसी बातें कर रही हो शायस्ता? वकार मेरा छोटा भाई था और अरीज मेरी भतीजी। अच्छा, लेकिन आपके छोटे भाई ने आपके साथ कभी भाइयों वाला सलूक तो नहीं किया? हमेशा मुलाजिम बना के रखा है आप। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो सारा बिजनेस, सारी एम्पायर वकार मारूम नहीं खड़ी की थी, मैंने नहीं। खैर, मेरीन ने ना सारी जिंदगी में यही एक अच्छा काम किया जो हमारे बेटे सलमान को अपना समझ लिया। सलमान, तुम गलत खोज में लग गए हो मेरे बेटे, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम गैर महसूस तरीके से बारूदी सुरंग की तरफ बढ़ रहे हो। इस डोर को सुलझाने में तुम खुद बुरी तरह उलझ जाओगे, दुश्मन के हाथ मजबूत हो जाएंगे। जी इदरीस। शाइस्ता, बड़ी उलझन है, बड़ी परेशानी है। क्यों, क्या हुआ इदरीस? मुझे लगता है कि हम किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। क्या मतलब है? देखें इदरीस, मैं पहले ही बहुत उलझन में हूँ। मजीद मेरे दिल को परेशान मत करें, जल्दी बताएं हुआ क्या है। सलमान तो अरीज नाम के पीछे ही पड़ गया है। अच्छा, ऐसा है। तो फिर मुझे लगता है उसके दिल में कोई शक पैदा हो गया और वो राज को जान लेगा। नहीं 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 इदरीस, अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। और हमारी बदकिस्मती देखो कि ये अरीज उरूज बन के हमारी जिंदगी में आ गए। ये तो मैं भी सोचती हूँ, ऐसा तो कभी नहीं सुना। ऐसे इत्तेफाक तो सिर्फ ड्रामों में होते हैं, पर यह हमारे साथ हो गया है।
तो हमारी जिंदगी ड्रामा बनने वाली है। इसीलिए मैं हर हद तक जाने को तैयार हूँ, लेकिन इस रुच की किस्मत अच्छी है कि हर बार बच जाती है ये। तुम कुछ नहीं करोगे? क्या मतलब है आपका? अब सारे मामलात आप हालात के हवाले कर देंगे? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। हर वक्त बोले चले जाती हो, बस बोले चले जाती हो। सुनो मेरी बात। अच्छा बताएं। तुम अब कुछ नहीं करोगे। मैं वकील से बात करता हूँ कि ये प्रॉपर्टी के मैटर्स को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, तुम कुछ नहीं करना, मैं रखता हूँ बस फोन। ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट काम करने के लिए मुझे वकार वाले इख्तियारात चाहिए। हाँ, वो तो वकार की डेथ के बाद खुद बखुद आपके हो गए ना। मैं ऐसा नहीं है शायस्ता, इसका फैसला बोर्ड के डायरेक्टर्स करते हैं या फिर बोर्ड का हेड। और बोर्ड का हेड कौन है? वकार के बाद बोर्ड की हेड मैरीन है। अगर वो साइन कर देगी तो इख्तियारात खुद ब खुद मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, आप परेशान मत हो, मेहरीन तो वैसे भी ज़हनी मफलूज है, उससे साइन लेना कौन सा मसला है, मैं करवा लूंगी उससे साइन। अच्छा, ऐसी बात है। ठहरो। तो ये लो।